बापू जी बाथरूम वाली जगह बेचारे की कीड़िया ने खाधी पी है। बस बापू बस बापू बस बस सारी उम्र रिक्शिया से सानू ढोआ ढवाई करते रहे ते अज 45-46 साल की उम्र च बाथरूम के कैंसर तो शिकार हो के सरकारी हस्पतालों च बांह फड़न वाला कोई अगे नहीं प्राइवेट के जान जोगे नहीं कैंसर के नाल तो जी समस्या सी कीड़िया ने बाथरूम वाली जगह चारे पास्यों खा ली खत्म कर दी। कीड़े देख के की कहने डॉक्टर कटना पा कटना पा कहने करे अरदास जी सागर के आने वाले जीवन वास्ते तकलीफ रहत हो सागर का आने वाला। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह जी। बापू का नाम सागर है जी ते सागर बापू रिक्शा चलाउंदा सी लुधियाने जवाहर नगर कैंप रहिंदा। बापू कहिंदा ब्याह कराया सी घर वाली मौकी सी बच्चा कोई नहीं सीगा अज बापू दी बाथरूम वाली जगह च सारे कीड़े पै गए सारी थल्लों टेस्टिकल भी सारे खाधे पए आ ते बाथरूम वाली जगह भी उपरों जमा यानी कि लैण वाली होई पई आ टेढ़े मोटे मोटे सुंड आ जिहड़े बापू दी बाथरूम वाली जगह खाई जांदे आ। तो ये बापू साढ़े इंसानों की बस्ती च इंसानों के नाल ही रहिंदा सी पर बापू की मदद करने वाला कोई नहीं सी उत्थे। बापू किसी ने नहीं मदद की नहीं कोई भैन भरा ने भतीजिया ने दस्या नहीं तो उन्होंने हुण एदा कीड़े पियां तो रिक्शा किवें चला लूँ सागर। तो अज सागर वर्गे लोगों जे हस्पतालों के जे कि इलाज नहीं मिलेगा तो होर कि मिलेगा ना तो कोई बच्चा ना कोई भैन ना कोई भरा ना कोई अपना कहण तो कीड़े पै गए। कीड़े भी इस उस जगह पर पे आ जिहड़ी शरीर की सब तो सेंसिटिव जगह वा जिहड़ी शरीर की सब तो नाजुक जगह वा तो एडे एडे मोटे कीड़े सुंडियां खाई जांदियां वा बाथरूम वाली जगह। कई बारी सागर वर्गे बंदे जिहड़े सारी उम्र रिक्शिया ते सानू ढोआ ढवाई करते रहे ते अज 45-46 साल की उम्र च बाथरूम के कैंसर तो शिकार हो के अपना कोई संभालने वाला भैन भरा अगे नहीं आ रहा सरकारी हस्पतालों च बांह फड़न वाला कोई अगे नहीं प्राइवेट के जान जोगे नहीं तो कीड़े पै जाते। ये हालात क्यों बन रहे हैं? कैंसर बीमारी होना कुदरती है ठीक आ ना वो सागर के हाथ से ना सरकार के हाथ से पर जो सागर की बीमारी डिटेक्ट हो गई तो फिर जे सागर के नाल कोई तुरन वाला है नहीं सागर के नाल जे कोई खड़न वाला है नहीं तो फिर सागर जावे किधर सागर कीड़िया तो खाधा जावे। कैंसर के नाल तो जी समस्या सी कीड़िया ने बाथरूम वाली जगह चारे पास्यों खा ली खत्म करती थोड़ा जा पीस नाल जुड़िया रह गया ऑलमोस्ट कीड़े खा गया जी तकलीफ जो दर्द सागर ने झल्लिया वो कीड़िया तो वह मुल की आ वो कि गलती ना पे वो क्यों पे तो हजे भी सागर नू कोई अगे मूहरे कोई बांह फड़न वाला नज़र नहीं आ रहा। सागर कित्थे जम्मिया सी इह जिहा जिहड़ा जंगल भी आ बांह च जम्मिया सी जिथे सागर दी बांह फड़न वाला कोई भरा मामे चाचे का भूआ का पुत मासी का पुत कोई भी नहीं अज दंदां थले जीभ लई पिया दर्द के नाल तड़फदा मूँह च अपने झग्गे का कपड़ा पसाई पिया क्योंकि जो असी कीड़े कढ़ रहे सी तो दर्द झल्लिया नहीं जाता सागर तो इदा ही जे किसी हस्पताल लै जाइए कोई डॉक्टर हाथ ना लावे इदा फिर जावे तो सागर जावे कित्थे। इकल्ले सागर की गल नहीं सागर वर्गे होर बहुत ने सागर भाई कढ़ ली मूँह चो कपड़ा हुण तां ठीक हो गई पट्टी। सागर भाई किन्ना पढ़िया तू चार क्लासां पढ़िया किन्ने भैण भरा सी तुसीं दो भरा एक भैण चार भरा ते एक भैण सी दो ते पूरे हो गए अच्छा ते मम्मी डैडी पूरे हो गए एक भतीजा पूरा हो गया भरजाई पूरी हो गई साढ़े घर 6-7 दिन घर चले गए तुसीं कट्ठे ही रहिंदे सारे पहले कट्ठे रहिंदे
ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆ ਹੂੰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਅੱਛੇ ਆੜੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆੜੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਟੋ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਬੇਲਾ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਕਟਾਈ ਹੂੰ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੂੰ ਤੂੰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਦਾ ਸੰਦੂ ਚਲੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਹੂੰ ਦਿਖਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਜੀ ਹੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਤੇ ਕੋਰੀਓ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਹੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਹੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਹਾਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੂੰ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕੀੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਭੰਜੇ ਹੂੰ ਕੀੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਬਸ ਕੱਟਣਾ ਪਊਗਾ ਕੱਟਣਾ ਪਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿ ਕੱਟੋ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਕਿੰਨੇ 70000 ਦੇ ਦੋ ਮੰਗਦੇ 70000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਆਹ ਸੀ ਕ੍ਰੀਮਾ ਵਰਮਾ ਤੇਲ ਕਰੀਮਾ ਤੇਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਕੋ ਕਰੀਮ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਵੀਕੋ ਟਰਮਰ ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮਰ ਲੰਗ ਜੀ ਕਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚਲੋ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ